हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी रिक्रूटमेंट 2024 का आउट कर दिया गया, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिलीज किया वैकेंसी फॉर ICG नाविक जीडी रिक्रूटमेंट 2024। 260 वैकेंसी आउट किया गया है और जो इसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एग्जाम का नाम है कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट टेस्ट पर्सनल टेस्ट 2024 के बेच का। इंडियन कोस्ट गार्ड 266 वैकेंसी आउट किया गया, वैकेंसी आउट कर दिए गए इतना ऑफिशियल वेबसाइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होने चाहिए और 18 ईयर्स होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में चार स्टेजेस होंगे, उसको क्लियर करना पड़ेगा। सैलरी आपका 21,700 रहने वाला लेवल 3 के बेसिस पर। ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इनका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था 4 फरवरी 2024 से, रिलीज डेट है 13 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024। एडमिट कार्ड आउट नहीं हुआ है। एग्जाम डेट होगा स्टेज 1 का अप्रैल के एंड में हो जाएगा और स्टेज 2 मई के एंड में और स्टेज 3 अक्टूबर के एंड में। अभी हम बात करें वैकेंसी की बात करें तो नॉर्थ के 79 है, वेस्ट के 66, नॉर्थ के 68, ईस्ट का 33, नॉर्थ वेस्ट 12, अंडमान निकोबार 3। टोटल 260 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एज लिमिट 18 से 22 साल, SC ST के लिए 5 साल का सिलेक्शन, OBC के लिए 3 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10+2 आपको कंप्लीट करने का पड़ेगा। मैथ्स से फिजिक्स से मैंडेटरी सब्जेक्ट और आपका जो किससे काउंसिल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनलिटी आप मेल इंडियन कैंडिडेट सिटीजन होने चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हो। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट का सिग्नेचर का इमेज, सेकेंड हैंड लम थम इम्प्रेशन इमेज, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, सर्विस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आपको सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा joinindiancoastguard.cdac.in। उसके बाद आपको सिंपली साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने का आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से देनी है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ अपलोड करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरना है और भी ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इजिली पेमेंट कर सकते हो। और उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। अभी बात कर रहे थे एप्लीकेशन फीस के बारे में। बात कर रहे थे एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू इजिली पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर, मेस्टर, रुपये के थ्रू आप इजिली, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू इजिली आप पेमेंट कर सकते हो। अदर कैटेगरी का जो एप्लीकेशन फीस है 300 रुपये, SC ST का जो एप्लीकेशन फीस है 0 रुपये से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला जो स्टेज होता है कंप्यूटर एग्जामिनेशन, स्टेज 2 होता है एडेप्टेड टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। स्टेज 3 होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो पर्सनल है वो पास है कि फेल है, और प्री एनुअल मेडिकल टेस्ट होते हैं INS Chili का। स्टेज 4 होता है ट्रेनिंग पीरियड। एग्जाम के वेटिंग की बात करें 1 आता है 60 मार्क्स, 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स 20, साइंस 10, इंग्लिश 10, 5 रीजनिंग 10, GK 5। पासिंग मार्क्स 30 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, 27 फॉर SC ST कैटेगरी। सेक्शन 2 की बात करें मैक्सिमम मार्क 50 होता है, टाइम 30 मिनट मिलता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50। और उसके जो मार्क्स है मैथ्स 25, फिजिक्स 25, आपको 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे। OBC कैटेगरी के लिए 17 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस का जो सिलेबस है वो नेचर ऑफ मैटर्स, यूनिवर्स, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, हीट ट्रांसफर, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव से साउंड एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन एंड मोलिनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, बेसिक ज्योमेट्री, सिंपल पेंडुलम, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, मेजर ऑफ द टेंडेंसी, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। 31 का जो आंसर है वो है सिंपल, देख सकते हैं इंग्लिश का सेक्शन, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।